हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2023 का 17th T20 मैच के बारे में। अगर टाइमिंग की बात किया जाए तो ये जो मैच आपको 7:30 बजे रात को खेला जाएंगे और ये मैच आपको चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में होने वाले हैं भाई। और वेन्यू की बात किया जाए तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई इंडिया में होने वाले, तो चेन्नई के लिए होम ग्राउंड रहने वाले। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी जानने वाले हैं भाई। तो एग्जांपल के लिए आपको मैं यहाँ पर इस वीडियो पे क्या क्या चीज कवर करूंगा ये बता देता हूँ डायरेक्ट आपको यहाँ पर। तो भाई इस वीडियो में हम सबसे बड़ा प्रेडिक्शन करने वाले हैं भाई, 6 ग्रैंड लीग के साथ साथ एक स्मॉल टीम यहाँ पर आपको मैं बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं 6 GL और स्मॉल टीम बना के रख चुका हूँ, उसमें कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए ये भी आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ भाई इंपैक्ट प्लेयर कौन रहने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर अभी जो आईपीएल सीजन में उनका रोल सबसे अच्छा जा रहा है, तो इंपैक्ट प्लेयर में कितने प्लेयर्स तक हम लोग ले सकते हैं। और यहां पर जब इंपैक्ट प्लेयर लेते हैं भाई, हम 11 प्लेयर की टीम बनाते हैं तो 4 प्लेयर बैकअप रखते हैं, तो वो 4 प्लेयर अगर खेलते हैं तो उनकी जो पॉइंट्स भी ऐड होगा भाई, उसी से हम लोग यहां पर ग्रैंड लीग जीतने वाले हैं। तो इंपैक्ट प्लेयर, सही इंपैक्ट प्लेयर को पिक करना भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो इंपैक्ट प्लेयर मैं किसको ले रहा हूं ये भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। इसके साथ साथ भाई यहां पर आपको मैं यहाँ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग तो यहाँ पर तो टीम बना के दिखा रहा, लेकिन आपको यहाँ पर मैं कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कितने विकेट कीपर्स खेल रहे हैं और राजस्थान रॉयल्स के लिए कितने विकेट कीपर खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर चेन्नई की ओर से 2 विकेट कीपर, राजस्थान रॉयल्स की ओर से 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं, तो इन 4 विकेट कीपर के बीच में कंपैरिजन होगा। उन 4 में से 1 या 2 विकेट कीपर को हम पिक करेंगे। इसी प्रकार चेन्नई के बैट्समैन, राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन, ऑलराउंडर्स पे इसी प्रकार, गेंदबाजी में भी इसी प्रकार, पूरे टीम की जो स्क्वाड है भाई, सारे प्लेयर्स की स्टैट्स आपको देने वाला हूं, A to Z सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पहले बार आप मेरे चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से भाई काफी मोटिवेशन मिलता है। और यहां पर एक और बात है भाई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहां पर आपको 1 रुपया भी नहीं लग रहा, जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करेंगे तो यार और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है भाई। तो कल जो लास्ट मैच हुआ था भाई विंसी प्रीमियर टी10, वो अल्ट्रा क्लीनशिप गया था। अभी आईपीएल बारी हो रहा है भाई, आईपीएल में आपको 6 GL और एक स्मॉल लीग टीम का प्रेडिक्शन अभी मैं करने वाला, तो लेट नहीं करते भाई, जल्दी से अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो भाई यहां पर मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूं। अगर लिंक ओपन नहीं होता भाई, उसके लिए क्या प्रोसेस आपको मैं बता देता हूं। तो टेलीग्राम पे जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना भाई, @shatrughan225। अगर इस प्रकार सर्च करोगे तो आपको मेरे चैनल हो जाएगा भाई, 2600 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं और एक बंदा मेरे नाम पे फेक चैनल क्रिएट किया भाई, यहां पर 6255 दिखा रहा है। इस चैनल को ज्वाइन मत करना भाई, यहां पर आपको पेड टीम दिया जाएगा, वो भी विनिंग नहीं मिलता भाई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे यहां पर मैं विनिंग करवा रहा हूं। आपको यहां पर 6 GL और एक स्मॉल लीग टीम मिलेगा भाई, इससे आपको काफी मदद मिलेगा, इसकी मदद से आप यहां पर एक अच्छे रैंक पे ला सकते हैं। उसका भाई इंपैक्ट प्लेयर अभी जो आईपीएल में जोन चल रहा है उसमें भी कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, पूरी डिटेल से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको भाई पहला बात है फ्री गिवे सब कुछ तो मिलता रहेगा और वीडियो फ्री गिवे भाई आपको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा भाई तो आपको मैं तुरंत वीडियो फ्री गिवे स्टार्ट करूंगा, एक अच्छा अमाउंट के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं भाई। तो आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं वीडियो फ्री गिवे पूरी तरह देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर जो यूजर्स अगर बाय मिस्टेक भाई, पहला बात मैं फैक्ट आपको बताता हूं, कोई जितने भी फैंटेसी यूजर है भाई, जितने भी फैंटेसी पे यहां पर वीडियोस डालते हैं, टीम देते हैं, तो भाई यहां पर कोई भगवान नहीं कि हर बार आपको रैंक वन ला दे। तो वो रैंक वन को कवर करने के लिए भाई एक अच्छा तरीका हम लोग के लिए, जो जो यूजर्स लॉस कर रहे हैं, तो वीडियो फ्री गिवे अगर रखेंगे तो भाई इससे आपको इतना मदद मिलेगा कि यहां पर आप एक जस्ट एक कॉमेंट करके, अच्छा कॉमेंट लगेगा तो भाई वहां पर 500, 1000, 2000 जितने भी अमाउंट हम लोग रखते हैं वो आप अच्छा अमाउंट जीत सकते हो। तो यहां पर अगर कोई यूजर की अगर इस प्रकार अपने प्रॉब्लम्स अगर सोल्यूशन होगा, मतलब कोई भी पैसे अगर हारते हैं, अगर अच्छे कमेंट करके अगर 500, 1000 रुपये मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम लोग से कभी कल टीम अच्छा नहीं जाता भाई, तो उस प्रकार हम लोग यहां पर आपकी लॉस को रिकवर कर सके, तो एक बेहतरीन आइडिया हम लोग के पास है भाई। लेकिन अगर आपकी सपोर्ट रहेगा तो वीडियो फ्री गिवे भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको मैं सीधा बता देता हूं। उसके बाद भाई अगर कोई भी प्लेयर मिस होता है, उनकी स्टैट्स अगर आप अवेलेबल नहीं है, तो उसका स्टैट्स के लिए वरी मत करना, उसका स्टैट्स मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। फाइनल टीम फर्दर अपडेट, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस जो भी होगा भाई आपको मैं टेलीग्राम पर ही दे पाऊंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके बाद भाई यहां पर आज के जो मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, अगर आपके पास बजट नहीं है, जब मैं फैंटेसी पे नया आया था भाई मैं ज्यादातर फ्री एंट्री खेलता था, क्योंकि इससे मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता था भाई। जब आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ेगी तो आप एक अच्छा अमाउंट आप जीत सकते हो। जब मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, मैं सेम बता रहा हूं, 0 टाइप इस टाइप की जो फ्री एंट्री था भाई, इसी प्रकार इसी पे मैं ज्यादा फोकस करता था, क्योंकि यहां पर मेरे पास पैसे नहीं है तो अब इसमें मैं अगर लगाऊंगा तो पहला बात है भाई पैसा जीतू या ना जीतू एक दूर का बात है, लेकिन यहां पर हां ग्रैंड लीग के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, क्योंकि आप 50,000 है भाई यहां पर फ्री एंट्री, उसका भाई 1,000 यूजर्स जीत सकते हैं, 3 लाख की स्पॉट थे, तो 3 लाख में 1,000 रैंक अगर आ गया
तो समझ लो कि भाई यहाँ पर स्मॉल लीग तो मैं आसान से किसी को भी जिता सकता हूँ। तो मेरा पहला जो जोन था भाई स्मॉल लीग के लिए खेलता था फ्री एंट्री में, और यहाँ पर 1000 जो 3 लाख में 1000 रैंक जरूर आना 1000 स्पॉट पे, तो मेरा आता था भाई। उसी प्रकार मैं टीम बनाना स्टार्ट किया, उसका ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन में स्टार्ट किया भाई। तो अभी आप देख सकते हो आपके सामने मैं खड़ा हूँ। तो आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपके पास पैसे नहीं, काफी जो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई कुछ पैसा मदद कर दो, तो भाई उसके लिए मैं ये फ्री एंट्री आपको ज्वाइन होने के लिए सलाह दूंगा। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा भाई। और यहाँ पर अगर 3 लाख पे अगर 5 से 10 रैंक अगर आ जाते तो सोच लो कि आपको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, और मेरा आया भी था भाई। तो यहाँ पे कोई यही मैं बोलना चाहूंगा, अगर पैसे नहीं है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, जब वीडियो फ्री गिवअवे मैं स्टार्ट कर दूंगा भाई। तो यहाँ पर मैं सच में बता रहा हूँ, आपकी जितने भी लॉसेस है अगर आपके पास पैसे नहीं तो मैं हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको मैंने बता दी। उसके बाद भाई यहाँ पर आपको अभी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं कंपैरिजन करके टीम बनाऊंगा भाई। तो यहां पर मैं 4 विकेट कीपर को ले चुका हूं भाई, जॉश बटलर, डेविन कॉनवे, संजू सैमसन, एमएस धोनी। तो इन चारों में से भाई किसको लेना चाहिए ये डिटेल से अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो ये चारों प्लेयर की स्टैट्स भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप यहां पर देख सकते हो विकेट कीपर जोन पे भाई, यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आप 2 विकेट कीपर नजर आ रहे हैं, यहां पर डेविन कॉनवे, एमएस धोनी। अगर बात किया जाए तो डेविन कॉनवे यहां पर अच्छा स्कोर तो है भाई इनके पास, लास्ट कुछ मैचेस से देखा जाए तो 3 अर्धशतक है, 35-47-0 लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है भाई। एमएस धोनी अगर बात किया जाए तो यहां पर लास्ट 2-3 बॉल से ज्यादा नहीं खेल रहे हैं भाई इनके, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर 8-9 नंबर पे आ रहे हैं। अगर थोड़ा अर्ली आते तो फैंस भी ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो अच्छे छक्के भी लगा रहे हैं, लेकिन एमएस धोनी आपको ज्यादातर बैटिंग करते नजर नहीं आएंगे। तो यहां पर एमएस धोनी का क्यों ले सकते हो भाई, अगर विकेट कीपिंग तो यही कर रहे हैं डेविन कॉनवे, विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर कैश स्टंपिंग की वजह से आपको पॉइंट्स मिल सकता है। लेकिन अगर उस प्रकार देखेंगे तो भाई यहां पर आपको राजस्थान रॉयल्स के विकेट कीपर सही रहने वाला है। यहां पर आपको जॉश बटलर और संजू सैमसन है भाई। जॉश बटलर अगर बात किया जाए तो काफी खतरनाक फॉर्म है, यहां पर लास्ट कुछ मैचेस में देखा जाए तो पूरे 3 अर्धशतक इनके नाम पे, लास्ट मैच में भी 79 रन बनाए। संजू सैमसन अगर बात किया जाए तो लास्ट मैच में 0 पे आउट गए, 55-42 एक शतक भी है, 150 रन बनाए भाई यहां पर। तो इन चारों में से विकेट कीपर कौन अच्छा आपको मैं बता देता हूं। पहला बात है भाई यहां पर आप 3-4 विकेट कीपर के साथ जा सकते हो, उसका भी टीम में बना के रख चुका हूं। तो भाई यहां पर जॉश बटलर काफी अच्छी फॉर्म है, संजू सैमसन यहां पर विकेट कीपिंग भी कर रहा है, 40-50 रन हर मैच में बना रहे, लास्ट मैच में भले 0 पे आउट हो गए। यहां पर जॉश बटलर, संजू सैमसन, इन दोनों का इन राजस्थान रॉयल्स के लिए मेन बैट्समैन है भाई, तो इन दोनों विकेट कीपर को मैं कंफर्म कर रहा हूं। उसके बाद डेविन कॉनवे, एमएस धोनी की जगह पर मैं डेविन कॉनवे को ले रहा हूं। तो यहां पर मैं 3 विकेट कीपर के साथ जा रहा हूं भाई, तब इन तीनों विकेट कीपर को पिक कर लीजिएगा। ये जो टीम बनेगा भाई मेरा 8वां टीम बनने वाला है, ये 8वां टीम आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो विकेट कीपर को हमने पिक कर लिया भाई। अब जाते हैं बैट्समैन पे, तो बैट्समैन आप देख सकते हो भाई ये 8वां बैट्समैन खेल चुके हैं भाई यहां पर। तो ध्रुव जोरेल आपको एक मैच में इंपैक्ट प्लेयर पे नजर आए और एक मैच में प्लेइंग 11 पे नजर आया, तो इनका भी स्टैट्स में अपडेट कर देता हूं। तो यहां पर 8 बैट्समैन है, ऋतुराज गायकवाड़, सिमरन हेटमेयर, यशस्वी जायसवाल, अंबटी रायडू है भाई। उसके बाद यहां पर देवदत्त पदिकल, अजिंक्य रहाणे और इसके साथ साथ शिवम दुबे, और यहां पर आपको ध्रुव जोरेल नजर आ रहे हैं। तो ये 8वां बैट्समैन में किसको लेना चाहिए, तो यहां पर कितने प्लेयर्स है भाई, चेन्नई के लिए कितने बैट्समैन है और राजस्थान रॉयल्स के लिए कितने बैट्समैन है, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। तो भाई यहां पर आप देख सकते हो मैं लिख के रख चुका हूं, चेन्नई के लिए यहां पर मैं 4 बैट्समैन के साथ जा रहा हूं। ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छे फॉर्म में भाई, हर मैच अच्छा खेल रहे हैं, और यहां पर ऑरेंज कैप में अभी शिखर धवन है भाई, लेकिन यहां पर आपको शिखर धवन, जॉश बटलर और इसके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में ये हो रहा है। तो ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन बहुत अच्छे फॉर्म है, अब ये इंडिया टीम में आने के लिए भी आप देर नहीं लगने वाले। तो यहाँ पर 92-57-40 इस प्रकार स्कोर है, आप इनको कंफर्म कर दीजिएगा। शिवम दुबे बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं भाई, जब तक खेल रहे हैं अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं, तो ये प्लेयर अभी तक बड़ा स्कोर नहीं निकला, इसलिए आपको मैं बताऊंगा अगर आप ग्रैंड लीग खेल दो तो शिवम दुबे को आप यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे भाई, अजिंक्य रहाणे जो लास्ट मैच में प्रूव किया भाई 61 रन की पारी जो खेला है, तो भाई इसलिए बोलते हैं कि एक्सपीरियंस काफी जरूरत है, जो प्लेयर एक्सपीरियंस है भाई चैंपियन की तरह खेले भाई, नहीं लगा कि इतना साल से वो बाहर है और डोमेस्टिक खेल रहे, डोमेस्टिक आके खेल के भाई इस प्रकार खेलना मेरे हिसाब से काफी बेहतर है। इंडिया की सबसे बड़ा समस्या भी जो है भाई मिडिल ऑर्डर है, तो मिडिल ऑर्डर के लिए मैं परफेक्ट मानता हूं अजिंक्य रहाणे को, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे आके संभाल सकते हैं, टेस्ट टीम को काफी सालों से संभाल है भाई, ये वनडे मैच है, ये सिंगल टू सिंगल ले सकते हैं और चौको भी अच्छे लगाते हैं, और टेस्ट में भी आप अगर इनकी बैटिंग कंपैरिजन किया जाए तो रीसेंट फॉर्म में तो भाई ये ज्यादा बॉल नहीं खेलता, अगर यहां पर 150 बॉल खेलते तो 100 रन बनाते, तो इस प्रकार ये वनडे के लिए मैं फिट मानता हूं। तो यहां पर अजिंक्य रहाणे काफी अच्छा है और शिखर धवन, इन दोनों पे नजर रहने वाले हैं भाई यहां पर वनडे वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद अंबटी रायडू है भाई, अंबटी रायडू अगर बात किया जाए तो 20 रन 27-12 इस प्रकार है, तो अंबटी रायडू यहां पर ज्यादातर बैटिंग तो कर रहे हैं भाई, लेकिन यहां पर इनसे भी बड़ा स्कोर नहीं बन रहा, ये प्लेयर आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए सही रहने वाला है। तो यहां पर कब ये अच्छा स्कोर बना देगा ये गारंटी नहीं है भाई, तो इसलिए अंबटी रायडू को आप यहां पर अगर 11 से 20 टीम बनाते हो तो एक टीम में आप यहां पर इनको कैप्टन बना के रख लेना, आपको काफी मदद मिलने वाला है। अब जानेंगे भाई यहां पर राजस्थान रॉयल्स के लिए कितने प्लेयर्स है, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी मैं 4 बैट्समैन को लिया। यशस्वी जायसवाल किस प्रकार इस सीजन में खेल रहा है आप सभी को पता है, डोमेस्टिक में भी
13 शतक लगाए हुए, 357 रन बनाए यहां पर डोमेस्टिक में, उनका भी स्कोर यहां पर मैंने ऐड किया। उसके बाद 54 रन 60 रन लास्ट मैच में भी 60 रन की अद्भुत पारी खेले भाई। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो देवदत्त पदकल, यहाँ पर काफी ज्यादा मौका नहीं मिल रहा इनका क्योंकि इनका जो जोन था भाई ओपनिंग था, लेकिन अब ये मिडिल ऑर्डर पे खेल रहे हैं और वन डाउन पे भी नहीं भाई, सेकंड डाउन पे खेल रहे हैं, वन डाउन पे संजू सैमसन आ रहे हैं। तो यहाँ पर देवदत्त पदकल के साथ थोड़ा यहाँ पर अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस प्लेयर को आप रख सकते हो। उसके बाद सिमरन हेटमैर यहाँ पर 36 39 22 रन इस प्रकार बनाए। ध्रुव जुरेल है भाई यहाँ पर 32 रन 44 रन 31 रन इस प्रकार स्कोर बनाए। तो यहाँ पर आपको क्यों कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए आपको मैं बता देता हूँ भाई बल्लेबाजी सेक्शन पे। ऋतुराज गायकवाड़ को आप यहाँ पर कंफर्म कीजिएगा भाई। उसके बाद अजिंक्य रहाणे को आप लेना वन डाउन पे बैटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल के साथ मैं जाने के लिए आपको सलाह दूंगा, ये तीन बल्लेबाज काफी है भाई। अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो शिवम दुबे के साथ आप जा सकते हो। तो ये चार बल्लेबाज यहाँ पर बैटिंग सेक्शन पे अच्छा रहने वाला। तो बैट्समैन को भी हमने पिक कर लिया भाई। अब यहाँ पर ऑलराउंडर्स में किसको लेना चाहिए आपको मैं बताने वाला हूं। तो ऑलराउंडर्स पे भाई यहाँ पर मैं 8 ऑलराउंडर्स को पिक किए हैं। रविंद्र जडेजा, मोइन अली, बेन स्टोक्स और जसन होल्डर है भाई यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जसन होल्डर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर आपको रविचंद्रन अश्विन, ड्वेन प्रेटोलियस और इसके साथ साथ मिचेल सांटनर और यहाँ पर रियान पराग है। तो रियान पराग यहाँ पर इतना काफी अच्छे फॉर्म में तो नजर नहीं आ रहा, ये प्लेयर भी आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ भाई, और नहीं तो आप इंपैक्ट प्लेयर में आप इनको ले सकते हो। उसके बाद भाई यहाँ पर ऑलराउंडर्स की स्टैट्स भी यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला। तो यहाँ पर चेन्नई की ओर से 5 ऑलराउंडर्स है। मोइन अली भाई लास्ट कुछ मैचेस से नहीं खेल रहे, बेन स्टोक्स भी यहाँ पर अच्छे T20 के लिए अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, लेकिन चैंपियन प्लेयर है भाई, लास्ट मैच भी नहीं खेला। अगर ये खेलेंगे तो आप इनको यहाँ पर कब ऐड कर सकते हैं पता नहीं, एक बड़ा स्कोर बनाने के एबिलिटी में और किस टाइप की प्लेयर है पूरा दुनिया जानते हैं भाई यहाँ पर। तो बेन स्टोक्स को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं भाई रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा लास्ट मैच में कमाल की गेंदबाजी की भाई, 3 विकेट लाए लेकिन अभी तक इनका बल्ला नहीं चला। तो इनका बल्ला भी अगर चल जाएगा उसके बाद अच्छा स्कोर बना लेते हैं। तो यहाँ पर चेन्नई के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है रविंद्र जडेजा। मिचेल सांटनर है भाई लास्ट मैच में 2 विकेट लिए, तो यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आप इनको सही रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी ज्यादा मौका इनको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद ड्वेन प्रेटोरियस है भाई लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कौन कौन सा ऑलराउंडर यहाँ पर सही है, तो सर रविंद्र जडेजा को आप यहाँ पर पिक कर लीजिएगा। मोइन अली, बेन स्टोक्स अगर इन दोनों में कोई भी खेलते हैं तो आप यहाँ पर मोइन अली के साथ जाना सही रहेगा, लेकिन कल 2 मैच से नहीं खेल रहा, लास्ट मैच बेन स्टोक्स नहीं खेले और यहाँ पर मोइन अली भी नहीं खेले भाई, तो इनके लिए आप यहाँ पर रविंद्र जडेजा को सही रखिएगा। मिचेल सांटनर और ड्वेन प्रेटोरियस में भाई मिचेल सांटनर को आप यहाँ पर पिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये दो ऑलराउंडर्स के साथ आप जा सकते हैं। अगर मोइन अली बेन स्टोक्स खेलते हैं तो ड्वेन प्रेटोरियस को आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पर हम बात करेंगे भाई राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए जसन होल्डर है भाई लास्ट मैच में 1 रन 2 विकेट 0 विकेट इस प्रकार स्कोर है। तो जसन होल्डर अभी भी फिट मान रहा तो आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा। उसके बाद आते हैं भाई रविचंद्रन अश्विन लास्ट मैच में 2 विकेट 1 विकेट, तो रविचंद्रन अश्विन यहाँ पर गेंदबाजी के लिए सही रहने वाले। और उसके बाद भाई यहाँ पर मैं रियान पराग के साथ जा रहा हूं। अगर रियान पराग को आपको पिक करना भाई तो लास्ट मैच में कुछ खास स्कोर नहीं, 7-20 7 रन है, तो आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम कितने प्लेयर्स तक जा सकते हैं ऑलराउंडर्स पे, तो यहाँ पर जसन होल्डर, रविचंद्रन अश्विन और सर रविंद्र जडेजा, ये तीनों प्लेयर आपके लिए यहाँ पर फिट रहने वाले। अगर यहाँ पर 4 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे तो मिचेल सांटनर को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 4 ऑलराउंडर सबको बता दिया भाई, यहाँ पर ये चारों में से बेस्ट कौन है भाई, यहाँ पर मेरे हिसाब से सर रविंद्र जडेजा सही रहने वाले और ये प्लेयर अच्छा भी जाएगा भाई यहाँ पर। तो हमने ऑलराउंडर्स को पिक करने के बाद आप यहाँ पर गेंदबाजों पर फोकस करते हैं। तो गेंदबाजी में अगर देखा जाए भाई मैं पूरे 10 बॉलर्स को लिया, तो 10 बॉलर्स में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, संदीप शर्मा भाई अंडररेटेड बॉलर है, उसके बाद एस मागाला, तुषार देशपांडे, के आसिफ है भाई। तो यहाँ पर संदीप शर्मा सेम रिकॉर्ड है भाई भुवनेश्वर कुमार की जैसा, लेकिन ज्यादा इंडिया टीम पे मैचेस नहीं खेले, यही फर्क है। तो यहाँ पर मैंने 7 बॉलर और यहाँ पर मैं 2 बॉलर्स को लिया भाई। उसके बाद यहाँ पर मुर्गन अश्विन है, उसके बाद राजवर्धन हंगरगेकर है भाई। तो यहाँ पर ये 9 बॉलर्स है, ये 9 में से भाई यहाँ पर हम लोग 3 से 5 बॉलर्स को यहाँ पर हम पिक करके आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी बॉलिंग की स्टैट्स आप जान लीजिएगा भाई, यहाँ पर 9 बॉलर की स्टैट्स मैंने रख दिया। दीपक चहर भाई यहाँ पर देखा जाए तो 3 मैच में कोई विकेट नहीं लिया अभी तक, लेकिन ये प्लेयर भाई यहाँ पर अभी तक विकेट नहीं मिला, फेस बॉलिंग करते हैं तो इनका इकोनॉमी भी ज्यादा जा रहा है, तो अभी तक ये प्रूव नहीं किया भाई, लेकिन जब प्रूव करेंगे तो हम लोग को धोखा खाना पड़ेगा। तो अगर आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11 से 20 प्लेयर अगर आप बनाते हो तो यहाँ पर दीपक चहर को आप जरूर ऐड कीजिएगा, ये प्लेयर आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग जिताने की एबिलिटी इनमें अभी है भाई, क्योंकि अभी अभी तक 3 मैच इनका अच्छा नहीं गया। तो उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट आज की जो मैच होगा भाई इसमें अच्छा विकेट इनको मिले। और यहाँ पर आते हैं भाई राजवर्धन हंगरगेकर, लास्ट मैच में भी 3 विकेट है, लास्ट 2 मैच में देखा जाए तो इनके नाम पे 9 विकेट है भाई, काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा। तुषार देशपांडे लास्ट 2 मैच में 2-2-1 है, तो इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई वाइट ज्यादा डाल रहे हैं, वो अगर कवर कर लेंगे थोड़ा इकोनॉमी ज्यादा है, लेकिन उसके लिए टेंशन मत लेना, आप यहाँ पर तुषार देशपांडे को ट्राई कर सकते हो। सुशांत बंगाला राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, लास्ट मैच में 1 विकेट मिला भाई यहाँ पर। तो इन चारों में से कौन सा गेंदबाज अच्छा है आपको मैं
बता देता हूँ। तो भाई दीपक क्या आपको ग्रैंडली के लिए सही रहने वाले फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर। उसके बाद सर राजवर्धन हंगरगे का तुषार देशपांडे, तो तुषार देशपांडे खेल रहे हैं भाई यहाँ पर, इनको पिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिसांदा मगाला को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, तीन बॉलर है यहाँ पर अच्छे चेन्नई की ओर से। उसके बाद भाई यहाँ पर आते हैं राजस्थान रॉयल्स के केएम आसिफ, यहाँ पर इनको ड्रॉप कीजिएगा, यहाँ पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। ट्रेंट बोल्ट भाई लास्ट मैच में भी तीन विकेट ले, तो आप इनको जरूर ऐड कीजिएगा, इनकी जो अभी रिसेंट फॉर्म है भाई काफी अच्छा है, तो आप इनको पिक करना चाहिए। उसके बाद आते हैं भाई युजवेंद्र चहल, लास्ट मैच में ये भी तीन विकेट ले, पूरे कुल मिला के देखा तो हर मैच अच्छे विकेट ले रहे हैं। और संदीप शर्मा लास्ट मैच में एक ही विकेट लिया भाई, लेकिन चार ओवर में 20 रन देके एक विकेट लिए थे, तो कमाल की गेंदबाजी रहा। उसके बाद यहां पर आते हैं भाई मुर्गन अश्विन, लास्ट मैच में इंपैक्ट प्लेयर रहा था लेकिन मौका मिला भाई, अभी तक एक मैच खेल चुके हैं, जीरो विकेट है। तो भाई यहां पर पूरे कंपैरिजन करने के बाद यहां पर आपको मैं तीन से चार बॉलर बता देता हूं। ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, ये दोनों काफी अच्छा भाई, संदीप शर्मा भी अंडररेटेड बॉलर है भाई, आप इनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर दीपक चहल ग्रैंडली के लिए अच्छा है, लेकिन तुषार देशपांडे और सिसांदा मगाला, तो पूरे पांच बॉलर सबको मैंने बता दी कौन कौन सा गेंदबाज को लेना चाहिए। तो भाई सब कुछ मैंने देख लिया भाई, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर को पिक करने के बाद आप बारी आ गए भाई छह ग्रैंड लीग और एक स्मॉल लीग टीम, तो चलिए आप वो देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं तीन ग्रैंड लीग टीम बना के रख चुका हूँ। तो पहला जीएल टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर एमएस धोनी, जॉस बटलर, संजू सैमसन, डेविन कॉनवे, तो डेविन कॉनवे को यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन बना रहा। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़ और एसएसपी जयपाल भाई, ऋतुराज गायकवाड़ मेरे कैप्टन है और डेविन कॉनवे को यहाँ पर मैंने वाइस कैप्टन बनाया। सर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन है भाई यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन पे, इंडिया के बेस्ट ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर्स है भाई दोनों। उसके बाद गेंदबाजी में यहाँ दो ही बॉलर्स के साथ जा रहा है, युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट है भाई। तो यहाँ पर ये मेरा टीम रहा भाई, कैप्टन पे ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे, लेकिन यहाँ पर आप इंपैक्ट प्लेयर पे मोइन अली, जसन होल्डर, दीपक चाहर और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको अंबटी रायडू, ये चारों प्लेयर मैं इंपैक्ट पे रखा। अगर ये चारों में कोई भी खेलते हैं तो भाई हम लोग को पॉइंट्स ऐड हो जाएगा, तो ये अच्छा ऑप्शन मैं मानता हूँ अभी ड्रीम इलेवन की ओर से। तो ये चारों प्लेयर को मैंने इंपैक्ट प्लेयर पे रखा भाई। अब दूसरा जीएल टीम आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं एक ही विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ, जॉस बटलर, यहाँ पर विकेट कीपिंग तो नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा मैच एक दो कैचेस हर मैचेस में ये भी पकड़ रहे हैं। उसके बाद आते हैं भाई अजिंक्य रहाणे, अंबटी रायडू, सिमरन हेटमैन, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जयसवाल, तो यहाँ पर मैं छह बल्लेबाजों के साथ जा रहा हूँ। और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन पे सर रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और यहाँ पर आपको जसन होल्डर है, और गेंदबाजी में एक ही प्लेयर के साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आप युजवेंद्र चहल को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन पे रविंद्र जडेजा और यहाँ पर मैं रवि अजिंक्य रहाणे को पिक किया भाई, ये दोनों यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर मैं गेंदबाजी सेक्शन पे यहाँ पर संदीप शर्मा को लिया इंपैक्ट प्लेयर पे, दीपक चाहर है भाई, युजवेंद्र चहल को भी यहाँ पर मैंने पिक कर लिया भाई, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका कि युजवेंद्र चहल का एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मोइन अली है भाई, ये चारों प्लेयर को मैंने यहाँ पर इंपैक्ट पे रखा हूं। उसके बाद आते हैं भाई तीसरा जीएल टीम, तो तीसरा जीएल टीम पे यहाँ पर डेविन कॉनवे विकेट कीपिंग पे, ना एमएस धोनी है, ना जॉस बटलर है, ना यहाँ पर संजू सैमसन भाई, डेविन कॉनवे को मैंने पिक किया। उसके बाद यहाँ पर बैटिंग सेक्शन पे भाई ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जयसवाल है, तो यशस्वी जयसवाल मेरा कैप्टन रहने वाला, तीन ऑलराउंडर है भाई यहाँ पर, रविचंद्रन अश्विन, जसन होल्डर, मिचेल सैंटनर है। उसके बाद गेंदबाजी डिपार्टमेंट में यहाँ पर मैं पांच प्लेयर्स के साथ जा रहा हूँ भाई, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, एस मगाला, तुषार देशपांडे, तो तुषार देशपांडे यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है गेंदबाजी में, तो यहाँ पर मैं ट्रेंट बोल्ट को वाइस कैप्टन बना के यशस्वी जयसवाल को मैं कैप्टन बना रहा हूँ भाई यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक डाउट आएगा भाई इंपैक्ट प्लेयर में किसको मैंने कवर किया, तो जॉस बटलर भाई आपको 100% नजर आएंगे प्लेइंग 11 पे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिमरन हेटमैन, ये भी खेलेंगे भाई, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद दीपक चहर भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, अंबटी रायडू, तो पूरे भाई यहाँ पर हम लोग को अच्छा टीम बन रहा है, अगर जो भी प्लेयर अच्छा खेलेंगे हम लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस बहुत हाई हो गया भाई। तो ये चारों प्लेयर मैंने इंपैक्ट पे रखा, तो यहाँ पर आपको मैं तीन जीएल टीम दिखा दिया भाई, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। अभी आपको मैं चौथा और पांचवा छठा जीएल टीम दिखाने वाला हूँ भाई, तो चौथा छठा जीएल टीम देखने से पहले भाई यहाँ पर मैंने तीन जीएल टीम आपको दिखा दी, अभी चौथा पांचवा छठा जीएल टीम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो विकेट कीपर है भाई, जॉस बटलर, डेविन कॉनवे, दो विकेट कीपर को मैंने पिक कर ली। उसके बाद यहाँ पर बल्लेबाजी पे शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जयसवाल है, तो यहाँ पर शिवम दुबे को मैं कैप्टन बना रहा हूँ। तो भाई आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इनका जो स्कोर है 20-25-28 तक अटक रहा है, अगर ये बड़ा स्कोर कन्वर्ट कर लेते हैं 50-60 रन, तो यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा 25-30 बॉल खेलेंगे भाई, इससे इनका स्ट्राइक रेट इंप्रूव होगा, और यहाँ पर एक दो कैच अगर पकड़ लेते हैं तो वो आज की मैच में इनका ज्यादा पॉइंट्स रहने वाला है। उस ऑप्शन पे मैं सोच के यहाँ पर शिवम दुबे को मैंने कैप्टन बना ली। और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन पे रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसन होल्डर है भाई यहाँ पर, और गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, मगाला है, तो यहाँ पर युजवेंद्र चहल को मैं वाइस कैप्टन बना के शिवम दुबे को यहाँ पर मैं कैप्टन बना रहा हूँ। और इंपैक्ट प्लेयर पे भाई यहाँ पर आपको इंपैक्ट प्लेयर भाई यहाँ पर आपको श्याम है भाई यहाँ पर, आप इनको ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ड्वेन प्रेटोरिया से भाई, सॉरी संजू सैमसन भाई, यहाँ डाउट हो गया, संजू सैमसन है,
ड्वेन पेटर्स और मिचेल सैंडलर और यहाँ पर अजिंक्य रहाणे। तो भाई यहाँ पर आप समझ लीजिए संजू सैमसन तो विकेट कीपिंग करेंगे तो वहां पर हम लोग को पॉइंट्स मिल जाएगा। उसके बाद ड्वेन पेटर्स यहाँ पर दो से तीन ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, अगर ये नहीं खेलेंगे तो बेन स्टोक्स नहीं तो मोइन अली खेलेंगे भाई, उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिचेल सैंडलर और यहाँ पर अजिंक्य रहाणे, तो ये मेरा चौथा जीएल टीम है भाई। अब हम देखते हैं पांचवा जीएल टीम, तो यहाँ पर मैं दो विकेट कीपर को ले रहा हूँ, ये दोनों विकेट कीपिंग कर रहे हैं, एमएस धोनी चेन्नई के लिए कर रहे हैं, संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए कर रहे हैं भाई यहाँ पर। उसके बाद चार बल्लेबाज है अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जोरेल। ध्रुव जोरेल अंडर 19 प्लेयर है भाई, काफी एक्सपीरियंस इनके पास है अंडर 19 खेलने का और यहाँ पर अपने डोमेस्टिक मैचेस में भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो एक बड़ा छक्का लगाने की एबिलिटी इनमें है भाई, तो आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन पे रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ड्वेन पेटोरियस है और गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट है। ट्रेंट बोल्ट मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन पर यहाँ पर मैं रविंद्र जडेजा के साथ जा रहा हूं। तो यहाँ पर मैं इंपैक्ट प्लेयर पे भाई मोइन अली, जॉस बटलर, जसन होल्डर, डेविन कॉनवे को मैंने पिक किया, तो भाई चार बेस्ट प्लेयर्स को मैंने यहाँ पर मैं इंपैक्ट प्लेयर पे कवर कर चुका हूं। तो यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन पे रविंद्र जडेजा के साथ जा रहा हूं। अब भाई यहाँ पर छठा जीएल टीम हम देख लेते हैं, तो छठा जीएल टीम पे फिर से मैं चार विकेट कीपर के साथ जा रहा हूं, एमएस धोनी, जॉस बटलर, संजू सैमसन, डेविन कॉनवे, संजू सैमसन को यहाँ पर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। उसके बाद यहाँ पर तीन बल्लेबाज है, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल है। ऑलराउंडर्स पे एक ही प्लेयर के साथ जा रहा हूं, रविचंद्रन अश्विन, और गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, तुषार देशपांडे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे संजू सैमसन, वाइस कैप्टन है, कैप्टन पे मैं यहाँ पर डेविन कॉनवे को गया। डेविन कॉनवे भी अभी भी इनका बड़ा स्कोर नहीं बना पा, लास्ट सीजन में शतक भी लगा चुके, तो इनसे उम्मीद करते हैं कि इस सीजन अगर ये मैच में शतक जीतक लगाए तो यहाँ पर हम ग्रैंड लीग जीतने के चांस हाई हो जाएगा। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर पे ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं भाई, संदीप शर्मा को यहाँ पर मैंने लिया भाई। उसके बाद मगाला है, ध्रुव जोरेल और शिवम दुबे, तो ये चारों प्लेयर यहाँ पर मैंने इंपैक्ट जोन पे ऐड किया। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरे 6 के 6 जीएल टीम भी दिखा दिया, और इसके साथ साथ इंपैक्ट प्लेयर में किसको लेना चाहिए वो भी हमने पूरी जानकारी जान ली है भाई। अभी आपको मैं स्मॉल लीग टीम दिखाने वाला हूं, और स्मॉल लीग टीम में किसको किसको लेना चाहिए आपको यहाँ पर समझ पे आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए, दो विकेट कीपर है, जॉस बटलर, संजू सैमसन, यहाँ पर मैंने डेविन कॉनवे, एमएस धोनी दोनों को ड्रॉप किया भाई यहाँ पर। उसके बाद आते हैं भाई यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन पर, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल है। तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ मेरा वाइस कैप्टन है, कैप्टन पे जॉस बटलर, दोनों प्लेयर अच्छे फॉर्म में है, दोनों प्लेयर यहाँ पर ऑरेंज कैप के रेस में भी है भाई, तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएगा। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसन होल्डर, जसन होल्डर भी यहाँ पर अंडररेटेड बॉलर है भाई, यहाँ पर विकेट के साथ साथ छक्के भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों ऑलराउंडर है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और मगाला है भाई, यहाँ पर तीन गेंदबाज के साथ जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर में बेन स्टोक्स को मैंने लिया भाई, अगर ये नहीं खेलते हैं तो आप मोइन अली को ऐड कर सकते हो, नहीं तो भाई यहाँ पर आप एमएस धोनी को ऐड कर लीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा। एमएस धोनी को भी अगर ऐड नहीं करना भाई, डेविन कॉनवे को ऐड कर लीजिएगा, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। उसके बाद ड्वेन पेटोरियस है भाई, ड्रियान पराग और यहाँ पर मिचेल सैंडलर है। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे दोनों ऑरेंज के प्रेसर, जॉस बटलर और ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने ले लिया। तो भाई आपको यहाँ पर मैंने पूरी सब कुछ जानकारी दे दिया भाई, यहाँ पर आपको एफसीएस वर्सेस जीआरडी, सॉरी भाई टी10 लीग का था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई सारा इन्फॉर्मेशन हमने जान ली। कैप्टन वाइस कैप्टन में किसको लेना चाहिए, स्मॉल लीग टीम आपको मैंने दिखा दी, इंपैक्ट प्लेयर को भी आपको मैंने दिखाया 6 जीएल, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्मॉल लीग टीम में हमने बनाया, और लाइव टीम जो मैंने एक्सप्लेन किया भाई उसमें भी आपको एक 8वां टीम बन गया होगा। पूरे 8 जीएल टीम यहाँ पर हमने बना के रख लिया भाई, तो ये 8 टीम आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद भाई आपको क्या करना चाहिए आपको मैं बता देता हूं। तो भाई पहला बात है, इंपैक्ट प्लेयर में किसको लेना चाहिए आपको ऑलरेडी अगर पूरे वीडियो को देख लिया तो पूरे समझ गए होंगे। तो भाई इंपैक्ट प्लेयर भाई यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल रह रहे हैं इस आईपीएल में, तो इंपैक्ट प्लेयर पर जरूर ध्यान दीजिएगा। उसमें कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए आपको मैं डिटेल से बता चुका हूं। तो भाई लाइनअप अनाउंस होने के बाद अगर आपको क्या करना चाहिए, तो भाई मैं जो भी अभी 7 टीम आपको मैंने लाइव बना के दिखाया, लाइव जो मेरा है भाई, ये 7ों टीम में आपको एक काम करना भाई, लाइनअप अनाउंस होने के बाद प्लेयर्स को चेंज मत कीजिएगा भाई, जस्ट आप फोकस पे कैप्टन वाइस कैप्टन पे फोकस करना। अगर आपको लगता है कि एक प्लेयर मिस हो गया तो आप उसके जोन पे आप एक प्लेयर को ऐड कर लेना भाई, तो यहाँ पर इससे क्या होगा आप ग्रैंड लीग जरूर जीत सकते हैं। इंपैक्ट प्लेयर हम लोग को ग्रैंड लीग जरूर जितवाने वाले हैं भाई, तो इंपैक्ट प्लेयर पे हमने काफी अच्छा वर्क किया और काफी अच्छा जाने वाले हैं। और ये 6 जीएल एक स्मॉल लीग टीम जो है भाई, लाइनअप अनाउंस होने के बाद भाई आपको मैं बस एक ही टीम दूंगा, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, एक टीम दूंगा भाई, और एक ही टीम के साथ हम लोग स्मॉल लीग भी जीतने वाले, ग्रैंड लीग भी जीतने वाले। तो कुछ चीजें से भाई वो 20 टीम ग्रैंड लीग बनाते हैं, तो उनके लिए मैं एक जरिया बन रहा हूं, उनके लिए भाई यहां पर मैं 6 ग्रैंड लीग और एक स्मॉल लीग टीम बना के एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो भाई ये इसमें आप काम कीजिए, अगर लाइनअप अनाउंस होने के बाद भाई आपको जस्ट फोकस करना कैप्टन वाइस कैप्टन पे और टीम आप सेम रहने दीजिएगा, इससे आप यहां पर ग्रैंड लीग जीत सकते हो। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूं, नेक्स्ट जो मैच है उसको भी कवर करूंगा। नाइट जो मैचेस होने वाले हैं भाई यहां पर आपको विंसी प्रीमियर टी10 लीग उसको भी हम कवर कर रहे हैं भाई। लास्ट मैच जो लास्ट नाइट जो मैच हुआ अल्ट्रा क्लीनशिप गया था, तो विंसी प्रीमियर लीग के 2 टी10 मैचेस है भाई, उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। लेकिन तब तक आप यहां पर आईपीएल जो मैच है भाई पूरी डिटेल से मैंने कवर किया, ये पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।